दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi की तरफ से आने वाले एक और कमाल धमाल स्मार्टफोन की। Xiaomi की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है Mi Note 10 Lite और स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं ना भाई, तो काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, कमाल कमाल के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और भाई इन्हीं स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, इन्हीं सारी फीचर्स की बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि किस प्राइस पॉइंट पर आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है, किस नाम से इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल सकता है और कब इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें करेंगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। भाई स्पेसिफिकेशन की बात करने के पहले मैं आपको बता दूं कि एक और स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था Xiaomi की तरफ से जो कि काफी कमाल स्मार्टफोन था, जो है Redmi Note 9, जिसका वेट हम काफी देर से कर रहे थे। वो फोन भी लॉन्च हो गया और उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं, उसको जाकर जरूर से चेक करो। उसके अंदर भी काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन मिलते हैं और काफी तगड़ी प्राइस पॉइंट पर आता है, तो उस वीडियो को भी ये वाला वीडियो पूरा देखने के बाद वो भी जाकर के देख लेना। स्टार्ट करते हैं भाई फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से। बिल्ड क्वालिटी की पहले बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑल ग्लास बिल्ड देखने को मिलेगी। आगे पीछे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा और भाई मेटल की फ्रेम देखने को मिलेगी। और जो ग्लास भी दिया गया है 3D कर्व्ड ग्लास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है काफी प्रीमियम बिल्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फ्लैगशिप लेवल का बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको मिड रेंज वाले फोन में Xiaomi की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, काफी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी दी गई है। डिजाइन की अगर मैं बात करूंगा तो पीछे की तरफ से अगर पहले बात करें तो यहाँ पर आपको टॉप लेफ्ट में कैमरा का सेटअप मिलता है, रेक्टेंगल शेप में दिया है जो कि अच्छा लगता है। पीछे की तरफ उसके अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहां पर आपको ना तो साइड में मिलेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर ना पीछे की तरफ मिलता है, यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। और फ्रंट की बात कर ले तो यहां पर आपको छोटी सी ड्यू ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन की मैं बात करूंगा तो काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है और डिजाइन भी यहां पर आपको काफी अच्छा दिया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो भाई इस फोन का एक हाइलाइटिंग फीचर है इसका डिस्प्ले। यहां पर 6.47 इंचेस का एमोलेड पैनल आपको देखने को मिलता है, फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन मिल जाता है, HDR10 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में बात कर लूं तो 600 nits की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है, 19.5:9 का यहां पर आपको एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहां पर डिस्प्ले की तो काफी तगड़ा डिस्प्ले यहां पर आपको देखने को मिलता है। यहां पर पंच होल के साथ में आपको IPS LCD पैनल न देकर के यहां पर आपको ड्यू ड्रॉप के साथ में जो एमोलेड पैनल दिया गया है वो काफी अच्छी चीज करी गई है Xiaomi की तरफ से। तो यहां पर डिस्प्ले के मामले में काफी तगड़ा आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है Mi Note 10 Lite में। साथ ही मैं बात कर लूं परफॉर्मेंस की तो यहां परफॉर्मेंस के लिए आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर। 730G जो प्रोसेसर है वो एक गेमिंग ओरिएंटेड प्रोसेसर है, यानी कि गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको काफी तगड़ी मिलेगी और डे टू डे की परफॉर्मेंस भी आपको इसके अंदर काफी अच्छी मिल जाएगी। 2.2 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, Adreno 618 वाला GPU मिलता है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपके इस फोन से काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। LPDDR4X RAM का सपोर्ट मिलेगा, UFS 2.1 वाली स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा, तो यहां पर भी काफी अच्छी चीज करी गई है। बैटरी की अगर बात करेंगे तो 5260 mAh की बड़ी बैटरी आपको यहां पर देखने को मिलती है। उसी के साथ में 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी आपको और 30 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल की भी बात करेंगे तो काफी तगड़ा बैटरी मॉड्यूल यहां पर लगाया गया है। यहां पर आपको भाई 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, 5260 mAh की बड़ी सारी बैटरी है, तो ये मेरे को काफी अच्छा लगा। बैटरी का साइज काफी अच्छा दिया गया है। बात करें फोन के कैमरास की, ये जो कैमरा है ना ये भी इस फोन का एक हाइलाइटिंग फीचर है। यहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है सोनी IMX686 सेंसर के साथ में। ये वही वाला सेंसर है जो आपको पोको X2 के अंदर देखने को मिला था और इमेज क्वालिटी आपको काफी तगड़ी यहां पर देखने को मिलेगी। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा और एक 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस मिलेगा। ओवरऑल कैमरा सेटअप की बात करेंगे तो डिसेंट कैमरा सेटअप मिलता है। भाई प्राइमरी कैमरा तो काफी अच्छा मिलता है, जो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया है उसकी बजाय 5 मेगापिक्सल का अगर मैक्रो दे देते या एक टेलीफोटो लेंस दे देते तो ज्यादा अच्छा हो जाता कैमरा, लेकिन फिर भी मैं बात करूं तो अच्छा कैमरा यहां पर आपको देखने को मिलता है। 4K वीडियो 30 fps पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं रियर कैमरा से, यहां पर भी काफी अच्छी चीज करी गई है। फ्रंट की बात करेंगे तो 16 मेगापिक्सल का यहां पर आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और वहां पर आपको 1080 पिक्सल्स में वीडियो कैप्चर का ऑप्शन मिल जाएगा, 30 फ्रेम पर सेकंड पर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल की बात करेंगे तो अच्छा कैमरा मॉड्यूल यहां पर देखने को मिलता है, बस एक टेलीफोटो लेंस की कमी है भाई, वो अगर और दे देते
तो एक कंप्लीट कैमरा सेटअप यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में दूसरी चीजों की बात करेंगे तो एंड्रॉइड 10 पर आपको फोन मिलेगा। ये वाला जो फोन है ये MIUI 11 के साथ में आता है, लेकिन बहुत ही जल्दी MIUI 12 का अपडेट आपको मिल जाएगा। और MIUI 12 के अंदर आपको काफी कूल फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दी है, वहां पर मैंने पूरा रिव्यू करा है MIUI 12 के नए फीचर्स का, वहां पर जाकर आप जरूर से उसको चेक कर सकते हो। तो MIUI 12 का आपको यहां पर अपडेट देखने को बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो वो भी काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी के अलावा दूसरी चीजों की बात करेंगे तो 3.5mm जैक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ में बात करें फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा आपको, IR ब्लास्टर यहां पर देखने को मिलेगा, NFC का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छा फोन दिया गया है, काफी कूल फोन है। यहां पर मैं बात करूं कलर्स की तो 3 कलर में फोन आएगा, पर्पल कलर है, व्हाइट कलर है और ब्लैक कलर है। आई गेस मैं कंफर्म कर देता हूं, मिडनाइट ब्लैक, ग्लेशियर व्हाइट और नेबुला पर्पल, 3 कलर में फोन आपको देखने को मिलता है। तीनों ही कलर काफी अच्छे लगते हैं, काफी कूल कलर दिए गए हैं और भाई ओवरऑल डिजाइन भी फोन का काफी अच्छा है। वेरिएंट की मैं बात करूं तो 2 रैम वेरिएंट में आपको मिलेगा 6GB और 8GB, और 2 स्टोरेज वेरिएंट में मिलेगा 64GB और 128GB। इसका मतलब यह है कि 6GB प्लस 64GB, 6GB 128GB और 8GB 128GB, 3 टाइप के फोन वेरिएंट्स आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यह फोन ग्लोबली लॉन्च हुआ है 350 यूरो के आसपास। 350 यूरो मतलब हो जाते हैं भाई 28,000 रुपए, 29,000 रुपए इंडियन प्राइस। तो भाई ये तो बहुत हाई एंड चला गया, इस प्राइस पॉइंट पर तो इंडिया के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी फोन ग्लोबली लॉन्च होते हैं जो यूरोस में प्राइस आते हैं वो हमेशा थोड़ा ज्यादा रहता है। इंडिया में जब आता है तो थोड़ा सा प्राइस कट डाउन हो जाता है इसका। अगर ये फोन इंडिया के अंदर आता है, मेरे हिसाब से ये फोन आना चाहिए 19,000-21,000 रुपए के आसपास, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको काफी अदर ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। 730G प्रोसेसर के साथ में आप देखोगे तो पोको X2 आपको देखने को मिलता है, जो 15,000-16,000 रुपए की रेंज में आ जाता है। यहां पर आपको सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है, तो उसकी थोड़ी सी लिबर्टी दे देते हैं। तो ये भाई 18,000-19,000-21,000 तक मैक्सिमम हो गया कि 21,000 तक अगर इंडिया के अंदर देखने को मिलता है तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा चॉइस होगा आपके लिए। और भाई ये फोन मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर आपको MI A4 के रूप में देखने को मिल सकता है, और उसके अंदर अगर ये MI A4 बन के आता है तो यहां पर आपको MIUI का सपोर्ट नहीं मिलेगा, यहां पर आपको Android 1 दे दिया जाएगा। तो अगर ये फोन MI A4 बन करके आता है भाई और इंडिया के अंदर 20,000 तक में लॉन्च होता है तो काफी अच्छा ऑप्शन मिलेगा आपके लिए। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना भाई, 20,000 के आसपास तक के प्राइस में अगर इन स्पेसिफिकेशन के साथ में फोन लॉन्च होता है तो क्या आप लेना पसंद करोगे, कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचेंगे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।